हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, हमारी आवाज आ रही है क्या? जी, आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदुराज नरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं नरवाल साहब आज यहाँ पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं आप, जायजा लेने पहुंचे। क्या लग रहा है, पोलिंग बूथ पे आए हैं? बहुत भारी उत्साह है, एक एक किसान विरोधी, गरीब के विरोध, छत्तीस बराबरी को छोड़ने बीजेपी। टक्कर मानते हैं आप? टक्कर किस चीज की टक्कर? जमानत होगी बीजेपी की और हमारी जितनी चिंता है। इस पोलिंग बूथ पे आए हैं, गांव है यहाँ पे, सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, मेरा भी गांव है, योगेश्वर दत्त कहते हैं, इसी गांव से हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है, अच्छी मार्जिन हो गया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है जीत का मार्जिन क्या, अच्छी मार्जिन का मतलब क्या, कितना? अच्छे मार्जिन में आप 50,000 प्लस। कोई स्थिति, कोई नुकसान आपने देखी होगी कहीं पे, कोई शिकायत हो, कोई अभी ठीक चल रहा है और जनता खबरदार छत्तीसगढ़ मन बना चुकी है इस बीजेपी किसान विरोधी कर्मचारी विरोधी और बहुत भ्रष्टाचार सरकार है, और आपने देखा और आदमी उन्होंने पैसे शराब सब हथकंडे मेरे किसान गरीब का बेटा उसके मेरे खिलाफ किया है। शिकायत करी थी सब समय? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत की थी। क्या कहा? व्यवस्था इंतजाम प्रशासन ने किया हुआ है जगह जगह पर आपके, ये सही सब ठीक है? नहीं ठीक है जी, है निश्चित है जी, चौधरी भूपेंद्र गांधी चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे हल्का बहुत से। देख सकते यहाँ पे ये इंदुराज नरवाल है जो कांग्रेस प्रत्याशी है और लगातार यहाँ पे दावा किया है, जीत का दावा किया है कि जो मार्जिन है वो 50,000 का रहने वाला है, 50,000 और हर बूथ पे ये जा रहे हैं, हर बूथ पे जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं अगर। बिल्कुल, कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल तस्वीरें इंदुराज नरवाल की है जो यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे लगातार जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, यहाँ पे ताकि किसी भी चीज की गड़बड़ी ना हो उसका जायजा ले रहा है। उन्होंने देखा है उसके साथ आप जिसका जीत को लेकर आश्वस्त है कि उनकी जीत होगी, और लगातार अग्रवाल आए हुए हैं और जायजा लेने के लिए यहाँ की बात करें, लाइन आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है, और बार बार हम इंदुराज नरवाल की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ये प्रत्याशी हैं, हालांकि हर मौके पर कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जी गरीब यहाँ पे सरकार का मेरे ख्याल व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आए हैं। इनका इन्होंने आरोप भी लगाया है कि रात में कुछ शराब की बात बांटे गए, हालांकि इनका आरोप है उन्होंने मैंने शिकायत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आप चंडीगढ़ जाने की तैयारी है? बिल्कुल चंडीगढ़ जाने की तैयारी है। टक्कर कितने टक्कर कितने पॉइंट लगा नहीं है बीजेपी तय कर दिया चौधरी भूपेंद्र गांधी चंडीगढ़ भेजेगा और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। आपने शिकायत भी किया चुनाव है? हाँ, चुनाव में मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे हैं सरकार ने, शराब बांटी, पैसा बांटा, सिलेंडर बांटा, कोई क्या नहीं किया, एक गरीब किसान के बेटे के खिलाफ मैं जो षड्यंत्र रचा बराबर काबरदा की छत्तीस बिरादरी उनको जवाब देगी और इसका जवाब बीजेपी जमान। आप अभी जा रहे हैं सरकार, देखिए इंदुराज नरवाल ये जल्दी में है और इतने पोलिंग बूथ है सब पे जाना है, और यही वजह है कि ये जल्दीबाजी में पत्रकारों से भी बात हैं, और यहाँ पे इंदुराज नरवाल जिसको लेकर आश्वस्त है उनका कहना है जीत उनकी सुनिश्चित है, वो चंडीगढ़ जाएंगे लगातार, हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाए हैं।